जी बहुत शुक्रिया। ईद की आमद आमद है, ठट्टा ज़िला में भी ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी है, लेकिन दूसरी चीज़ों की तो ख़रीदारी एक तरफ हो रही है, लेकिन ठट्टा के ख़ास तौर पर जो शहरी है यहाँ के इलाकाई सतह पर, वो सिंधी लिबास के साथ सिंधी टोपी को पहनकर वो ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने भी जो है ईद की सिंधी टोपी की ख़रीदारी के लिए दुकानों का रुख किया है। तो इस वक्त मैं एक दुकान पर मौजूद हूँ, सिंधी टोपी के दुकान पर मौजूद हूँ, तो उनसे बात करेंगे। सर आप बताएंगे कि सिंधी टोपी की ख़रीदारी हो रही है, क्या कहेंगे सवाल से आप? सर यहाँ पे सजो ठट्टा जो हमारी साहेली पट्टी है इधर, तो टोपी तो माशाल्लाह बहुत होती है पसंद, तो वैसे कल्चर डे होती है इसमें तो होती है पसंद। बाकी ये ईद के बाद जो खुशी का त्यौहार होता है तो इसमें तो लोग बहुत लेते हैं। इसमें हमारे पास हाथ की टोपी होती है 1000 से लेके 500 से लेके 10-12 हज़ार तक होती है टोपी, तो अच्छे काम में होती है, कम जो अपने लोग अपने रेंज के हिसाब से लेते हैं, तो टोपी तो बहुत यहाँ पर पसंद होती है माशाल्लाह। जी बिल्कुल, दुकानदार की बातें सुनिए, उनका यही कहना है कि ईद की खुशियां जो है वो दुबला करने के लिए ठट्टा के शहरी खसूसी तौर पर वैसे तो दीगर जो अशिया ख़रीदते हैं, लेकिन सिंधी टोपी सिंधी लिबास पर जो है वो पहनकर सिंधी टोपी पहनकर वो ईद की खुशियां मनाते हैं। कैमरा टीम कैमरा तनवीर अली, वश न्यूज़ ठट्टा।